स्वर्गीय राम कुमार जी की इस मूर्ति स्थापना समारोह में उपस्थित सभी बुजुर्गों को पावा धोक देता हूं। युवा साथियों, आपको अभिनंदन करते हुए और मातृशक्ति का वंदन करते हुए मंच पर उपस्थित हमारे नेतागण बैठे हैं, सभी सम्मान्य नेतागण हैं और आज की अध्यक्षता कर रहे मेरे एक संरक्षक के रूप में हमेशा सर पे हाथ रखने वाले एडवोकेट गजानंद जी यादव साहब की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है और मैं इस मौके पर आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि हमारे खेतड़ी के प्रथम प्रधान की पुण्यतिथि पर आप लोगों ने इस मूर्ति का अनावरण करके निश्चित रूप से उसके परिवार ने राम कुमार जी की यादाश्त को चिरस्थायी बनाया है, उसके लिए साधुवाद देना चाहता हूं। क्योंकि हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे क्षेत्र के प्रथम प्रधान थे और जान हुआ कि 16 साल तक सरपंच रहे और 6 महीने तक 23 साल तक सरपंच रहे और 6 महीने तक हमारे जिला प्रमुख भी रहे। हमारे लिए दसरापुर के लिए नहीं पूरे उपखंड खेतड़ी के लिए बहुत गौरव की बात है। पुनः एक बार में राम कुमार जी के श्री चरणों में पूरे उपखंड क्षेत्र की तरफ से जनसेवक खेतड़ी इंजीनियर धर्मपाल की तरफ से पुनः इनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बहुत सही बात कही है गजानंद जी ने, क्योंकि राजनीति का जो स्टैंडर्ड पहले हुआ करता था, निश्चित रूप से मैं इस बात से सहमत हूं कि जो स्टैंडर्ड पहले हुआ करता था आज राजनीति का वो स्तर बचा नहीं है। लेकिन उसके लिए सब लोग दोषी नहीं है, हम लोग खुद भी उस निर्वाचन में सहभागिता रखते हैं। निश्चित रूप से उस वक्त जो गांव में मौजूद आदमी होता था, जिसकी बात में दम होता था और जिसकी कहानी में दम होता था, जिसका बैकग्राउंड होता था, निश्चित रूप से वो लोग ही पंच सरपंच और प्रधान बनते थे, ये बात सत्य है। लेकिन अभी भी बनते हैं, लेकिन उनको बनाने वाले भी हम ही हैं। मैं सभी राजनेताओं से आज एक प्रधान की इस मूर्ति अनावरण समय समारोह में कहता हूं, निवेदन करता हूं, चाहे वो किसी भी स्तर का राजनेता हो, अपने मापदंड रखिए, अपने कुछ विचार रखिए, अपने कुछ उसूल रखिए, और जो उसूलों के बिना राजनीति करता है निश्चित रूप से वो बहुत लंबा नहीं चलता, ये मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। उसूल तो राजनीति में होने चाहिए, सच्चाई का साथ देना है ये होना चाहिए, सत्य बात के पीछे लड़ना है ये बात होनी चाहिए, और सच्चाई के लिए जो नेता लड़ता है निश्चित रूप से संघर्ष लंबा हो सकता है, लेकिन अंजाम जो अंत में होता है निश्चित रूप से सफलता का अंजाम होता है, ये बात आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। झूठ की राजनीति 5 साल 7 साल 10 साल चलती है, लेकिन सच्चाई की राजनीति बहुत लंबी चलती है, और उस चीज में आजकल गिरावट आई, इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एक राजनेता के मूर्ति अनावरण का समारोह, इसलिए राजनीति की बात करना स्वाभाविक है। तो आज जो बातें होती हैं, निश्चित रूप से आप लोगों के समक्ष जो नेता आते हैं, मैं ये नहीं कहता कि सब नेता ही झूठे या बुराई का साथ देते हैं या गलत का साथ देता है, लेकिन मैं खेतड़ी का जनसेवक होने के नाते सभी राजनेताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि कभी किसी गरीब के साथ अन्याय हो तो कभी मजबूत पक्ष उसके सामने हो तो उसका पक्ष लेने के बजाय अगर गरीब का पक्ष ले गए तो गरीब आपको जो दुआ देगा तो मैं समझता हूँ आपका जन्म सफल हो जाएगा, ये निवेदन करना चाहता हूँ। और गरीब की बद्दुआ जब लगती है तो ये मान लो 7 पीढ़ी तक खो देती है, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। गरीब की कोई बद्दुआ मत लेना, गरीब का साथ ना दो तो उसके साथ अन्याय करने का आपको कोई हक नहीं है, ये राम कुमार जी की आज मूर्ति अनावरण समारोह में मैं निवेदन करना चाहता हूँ। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी या विद्वान या शास्त्री नहीं हूँ, लेकिन संघर्ष इतना लंबा है कि सच्चाई और झूठ को परखने का हमें भी मौका मिला है, सच्चाई का साथ देने का मौका मिला है, ये बात सत्य है कि सच्चाई का रास्ता लंबा जरूर होता है, लेकिन रास्ता जब लंबा होकर सफलता में बदलता है वो सफलता भी स्थायी हो जाती है, इतना मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आपसे आग्रह करना चाहता हूँ। हमारे राम कुमार जी की पुण्यतिथि पर आप लोग उपस्थित हुए हो, यहाँ के सभी राजनीतिक लोग उपस्थित हुए हैं, प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोग आप लोग बैठे हो यहाँ पर, हमारे लिए गर्व की बात है कि प्रथम प्रधान हमारे इस बड़े गांव जसरापुर से हुआ, ये जसरापुर ग्राम के लिए भी बहुत गर्व की बात है। आशा करता हूँ इस पुण्यतिथि को और इस मूर्ति अनावरण समारोह को आप चिरस्थायी और चिर यादाश्त में रखेंगे, ये निवेदन करता हूँ। और आपसे एक विश्वास दिला के जाता हूँ, राम कुमार जी की इस मूर्ति अनावरण समारोह में आपके लिए जितना बन पड़ेगा, जो बन पड़ेगा मुझसे, आपके लिए 24 घंटे जनसेवक इंजीनियर धर्मपाल आपके बीच में रहेगा। और आपसे एक बात और कह देता हूँ,
आपका जो दिल्ली और जयपुर का और फलाने शहर का चक्कर था वो चक्कर भी हम लोगों ने खत्म किया है। आज आपके लिए कोपर के अंदर शानदार हमने जन सुनवाई का केंद्र बनाया। हमें जयपुर और दिल्ली का कोई शौक नहीं है, आपकी जयपुर की दौड़ मेट देंगे। जो समस्या समाधान होगा वो खेतड़ी के अंदर बैठ के होगा। कोई जयपुर जाने की जरूरत नहीं है, कोई दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। 6 महीने मेरे निर्वाचन के बाद में एक भी व्यक्ति को जयपुर जाने का मौका इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम लोग उनके बीच में रहते हैं। एक बात और दोहरा देता हूँ, सब समस्याओं का समाधान किसी के पास भी नहीं है, ना मेरे पास है, ना किसी बड़े से बड़े नेता के पास है। लेकिन 24 घंटे सुबह 7 बजे आपके लिए बैठते हैं जन सुनवाई कार्यालय के अंदर और पूरे दिन आपकी जन सुनवाई करते हैं। जितना बन पड़ता है, जो बन पड़ता है वो आप लोगों के करेंगे। और 5 साल तक किसी काम की समस्या के समाधान हेतु आपको जयपुर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, ये आपको विश्वास दशरथपुर की धरती पे दिलाना चाहता हूँ। फिर दोहरा देता हूँ, सब काम होने के नहीं होते हैं। 100 काम लेके जाओगे, हो सकता है 50 हो जाएं, लेकिन आपके सामने प्रयास करेंगे और आपको कहीं भी दूर जाने का खर्चा 5,000-10,000 नहीं लगाने देंगे, ये विश्वास आपको दिलाना चाहते हैं। हमसे जो बन पड़ेगा, जितना बन पड़ेगा, राम कुमार जी की आज मूर्ति नावन समारोह में कह के जा रहे हैं, आप लोगों के लिए यही उपलब्ध रहेंगे, 5 साल तक यहाँ उपलब्ध रहेंगे, ये विशेष रूप से मुझे आपसे निवेदन करना चाहता। आज आप मैं पूरे परिवार की तरफ से और पूरे उपखंड खेतड़ी की जनता की तरफ से, सर्व समाज की तरफ से, मैं राम कुमार जी के परिवार को बहुत बहुत पुनः एक बार बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बुजुर्ग की, अपने पिता की और उन पोतों ने अपने दादा की यादाश्त को चिरस्थायी करके यहाँ मूर्ति के रूप में स्थापना की है। पुनः एक बार पूरा परिवार और इस कार्यक्रम में शामिल वाले सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हो। पुनः मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा लेके सीखे और उनसे प्रेरणा ले और उसके मार्ग पे चले। जैसा गजानन जी कह रहे थे कि अपराध का मार्ग कोई स्थायी नहीं होता है, एक बार अपराध के मार्ग पे जो चला जाता है उसका वापस आना मुश्किल हो जाता है। इस कार्यक्रम में ऐसी बातें करना ज्यादा शोभा नहीं देता। पुनः कहता हूँ कि समाज में शांति से, प्रेम और भाईचारे से रहोगे तो अच्छे समाज का निर्माण होगा, अच्छे गांव का निर्माण होगा और शांति और सद्भाव कायम रहेगा। आपस में प्रेम और भाव से रहें, निश्चित रूप से यही निवेदन आप लोगों के बीच में करना था। पुनः एक बार मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ स्वर्गीय राम कुमार जी के चरणों में। इन्हीं शब्दों के साथ अपना कथन समाप्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको राम राम, बहुत बहुत